चलिए अब आ गया आपके पास इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ठीक है। अब हम स्ट्रिंग वन को इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रिंग टू को इनिशियलाइज करेंगे, कैरेक्टर वन को इनिशियलाइज करेंगे, कैरेक्टर टू को इनिशियलाइज करेंगे, कैरेक्टर थ्री को इनिशियलाइज करेंगे और आई को इनिशियलाइज करेंगे। ये सब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद आ गई हमारे पास इनपुट। सर कैरेक्टर को एस कैरेक्टर डिक्लेयर करेंगे। जी हाँ, मैंने गलती कर दी। कैरेक्टर को एस कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया। गुड, थैंक यू। चलिए इसके बाद अब आप इनपुट लेंगे। कंसोल डॉट राइट, एंटर स्ट्रिंग टू प्रोसेस, और स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जी, अब ये आपने पहली इनपुट ले ली, फिर आप दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेंगे। एंटर कैरेक्टर टू फाइंड, इसको आप ले लेंगे कैरेक्टर वन में। फिर आएगा एंटर कैरेक्टर टू रिप्लेस विथ। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आ गया ये कैरेक्टर टू। ये आपने तीनों इनपुट ले ली। अब आप चले जाएंगे प्रोसेस में। प्रोसेस क्या है आपके पास? सिंपल सा है, फॉर आई इज इक्वल टू वन टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन। इसके बाद आप कैरेक्टर थ्री में पिक कर लें मिडल ऑफ स्ट्रिंग वन से, आई लोकेशन से वन कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को अब आप कैरेक्टर थ्री को मैच करें कैरेक्टर वन से। If character 3 is equal to character 1, then string 2 is equal to string 2 and character 2. Else, string 2 is equal to string 2 and character 3. ये आपके पास प्रोसेसिंग हो गई। इसके बाद आप करेंगे आउटपुट। आउटपुट क्या है? कंसोल डॉट राइट लाइन resulting string after processing is, और इसको आप किसके साथ मर्ज करेंगे? स्ट्रिंग टू के साथ। एंड एज यूजुअल कंसोल डॉट रीड की। अब पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। Find what A, replace with what X. तो आप देखेंगे प्रॉपर से कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर प्रोसेसिंग। अब इसकी एग्जीक्यूशन है,
अब इसकी एग्जीक्यूशन है, इसको हम देख लेते हैं। इनिशियलाइज, सब इनिशियलाइज हो गए। प्रॉम्प्ट, इनपुट, इनपुट हो गई जेड एफ ए आर, ठीक है। ये इनपुट आपके पास आ गई स्ट्रिंग वन में। स्ट्रिंग वन में हमारे पास आ गई इनपुट। अब हम पूछ रहे हैं कैरेक्टर, तो अब हमसे इनपुट पूछ रहा है, हमने कहा ए। अब आप देखें कैरेक्टर वन में ए आ गया, और अब हमारे से पूछ रहा है एंटर कैरेक्टर टू रिप्लेस विथ। ठीक है, तो अब हम जो है उसको कह देते हैं एक्स। जब हमारे पास एक्स आ गया, कैरेक्टर थ्री हम पिक करेंगे, यानी कि पहला कैरेक्टर जी। ये जी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास पहला कैरेक्टर आ गया जी, ये मैं यहां पर शो कर देता हूं। और कैरेक्टर वन हमारे पास क्या है, कैरेक्टर वन हमारे पास है ए, और कैरेक्टर टू हमारे पास क्या है, कैरेक्टर टू हमारे पास है सी। अच्छा, अब हमारे पास जो कैरेक्टर अभी हमने खुद पिक किया है वो जी है, कैरेक्टर थ्री। कैरेक्टर वन वो है जो हमें रिप्लेस करना है, कैरेक्टर टू वो है जिससे रिप्लेस करना है, कैरेक्टर थ्री वो है जो इस वक्त हमने पिक किया है। तो अब हम कैरेक्टर थ्री एंड कैरेक्टर वन को मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों मैच हो गए तो इसका मतलब है ये वो कैरेक्टर जिसको हमें रिप्लेस करना है, तो हम इसको स्ट्रिंग टू में सेव करेंगे। स्ट्रिंग टू आप देखें, इस वक्त स्ट्रिंग टू जो है वो नल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम मैच कर रहे हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर थ्री जी और कैरेक्टर वन ए को, ये मैच नहीं हुए, तो हम स्ट्रिंग टू में, स्ट्रिंग टू में हम क्या करेंगे कि हम कैरेक्टर थ्री ही डाल देंगे। ठीक है, जी आ गया, कैरेक्टर थ्री डाल देंगे, जी आ गया, देखें एंड इफ किया। अगला कैरेक्टर हमने पिक किया, अब ये ए है, ये देखिए कैरेक्टर थ्री क्या हो गया, ए, जेड के बाद ए। अब इस ए को हम इस ए से मैच करेंगे, अब ये मैच हो जाएगा, तो स्ट्रिंग टू में ए नहीं आएगा बल्कि कैरेक्टर टू आ जाएगा एक्स। अब देखिए ये रिप्लेस होना शुरू हो गया, ए की जगह पर एक्स आ गया। फिर एफ आया, एफ मैच नहीं हुआ तो एफ ही सिस्टम में चला गया, ये देखें। फिर ए आया, मैच हो गया, एक्स चला जाएगा। फिर आर आया, मैच नहीं हुआ तो आर चला जाएगा, ठीक है। अब ये लूप ब्रेक करेगा और रिजल्टिंग स्ट्रिंग आपके पास यहां पर आउटपुट हो गया जेड एफ ए आर। So you can see that how the things are working. आ गई आपको बात समझ में? That is how it works. ठीक है, तो ये कोड में आपके पास
जी साथ वीबी में कैरेक्टर को भी डबल कोटेशन से ही इनिशियलाइज करते हैं, हमारे पास वीबी में कोई खास वो नहीं है अलग से कैरेक्टर की हैंडलिंग, स्ट्रिंग की तरह ही हैंडल होता है। अब हमारे पास फोर्थ है, काउंटिंग नंबर ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स इन अ स्ट्रिंग। काउंटिंग नंबर ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट इन अ स्ट्रिंग। अब देखें इसका पहले ज़हन बनाएं कि ये किस तरीके से होगा। तो इसका ज़हन बनाना बड़ा आसान है, आप एक कैरेक्टर पिक करेंगे, उसको चेक करेंगे कि अगर वो उस एक कैरेक्टर को पिक करें उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें ताकि छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी को अलग से ना देखना पड़े। एक कैरेक्टर पिक किया और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया कि अगर वो लोअर केस में होगा तो अपर केस में आ जाएगा, अगर अपर केस में होगा तो अपर केस में ही रहेगा, अगर वो नॉन अल्फाबेट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे, हमने पहले कैरेक्टर पिक किया तो इसको कर दिया कैपिटलाइज, कैपिटल हो गया। अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो बड़े ए और छोटे सॉरी बड़े जेड के बीच में। अभी कैसे करेंगे ये हम बस वीबी को बता देंगे या सोर्स कोड को बता देंगे कि वो ए से जेड के बीच में, सिस्टम खुद ही उसका एस्की कोड निकाल के उसकी कहानी कर लेगा। हमसे भी बताना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो डेटाबेस वाला सीन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एंड लेस देन और इक्वल टू दिस रेंज, तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद हम उसको 0 से 9 तक भी कर लेंगे, डील कर लेंगे, लेकिन इस तरह याद रखिएगा कि वो 0 से 9 जब चेक होगा ना वो एज ए कैरेक्टर होगा, एज ए डिजिट नहीं होगा। अगर वो ये होगा तो हम काउंट इधर कर लेंगे, अगर वो होगा तो हम काउंट उधर कर लेंगे। तो सिचुएशन क्या बनी, पहले आप इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इनपुट क्या होगी कि हमने यहां पे लिखा ए बी सी डी 1 2 3 4 जी एच टी 6 एंड 0। ये दो इनपुट्स हमें नहीं चाहिए, तो इनकी हमें कैरेक्टर 3 और 2 की जरूरत नहीं होगी, हमें एक ही कैरेक्टर काफी जो हम पिक करेंगे। हमें स्ट्रिंग 2 भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें स्ट्रिंग में कोई ऑल्टरेशन करनी नहीं है। हमें अब आउटपुट क्या करनी है, आउटपुट हमें करनी है अल्फाबेट्स। अब इसमें देखें अल्फाबेट्स काउंट करें ए बी सी डी जी एच टी, लेट्स से कि जी एच टी कैप्स में फिर भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 और डिजिट्स कितने 1 2 3 4 5 6। ये आंसर चाहिए हमें। तो वही सीन है कि हम एक कैरेक्टर उठाएंगे, फिर उसको देखेंगे क्या क्या उसको कैपिटलाइज कर देंगे, फिर देखेंगे क्या वो ए और जी के बीच में। तो एक कैरेक्टर उठाएंगे और फिर हमें काउंटर्स भी चाहिए होंगे ना, तो हम एक अल्फा काउंट बनाते हैं और फिर हम एक बनाते हैं डिजिट काउंट। डिजिट COUNT डिजिट काउंट, ये हमने सारे बना लिए। स्ट्रिंग 2 की हमें जरूरत नहीं है, हमें कैरेक्टर 2 3 की जरूरत नहीं है, हमें अल्फा काउंट को यहां पर
इनिशियलाइज करना होगा जीरो से, और डिजिट काउंट को भी यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना होगा जीरो से। अब हम यहाँ पर इनपुट में एक ही इनपुट लेंगे, एंटर स्ट्रिंग टू प्रोसेस, और यहां पर हम एक कैरेक्टर पिक करेंगे। आप देखें कैरेक्टर पिकिंग कितना नेसेसरी है। हम एक कैरेक्टर पिक करेंगे कैरेक्टर वन में, ठीक है, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है। अब हम चेक करेंगे कि इफ कैरेक्टर वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अच्छा, आप इस कैरेक्टर को आप अपर केस में कन्वर्ट भी कर ले, तो आप यहां पे लिखें कैरेक्टर वन इज इक्वल टू अपर ऑफ कैरेक्टर वन, यानी कि जो भी कैरेक्टर वन में है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चेक करें कि कैरेक्टर वन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, एंड कैरेक्टर वन जो है वो लेस देन और इक्वल टू जी है। अगर है तो फिर हम अल्फा काउंट में काउंट करेंगे, अल्फा काउंट इज इक्वल टू अल्फा काउंट प्लस वन। अच्छा, अब हम एल्स में नहीं जाएंगे, एल्स इफ में जाएंगे, क्योंकि देखें डिजिट और अल्फा के अलावा भी तो चीजें होती है ना, स्पेस है, सेमी कॉलन है, कोलन है, पता नहीं क्या कुछ है। हाँ हाँ, लोअर में भी कर सकते हैं, और हम फिर उसमें जब आप लोअर में कन्वर्ट करें तो फिर आप इसको छोटा ए और छोटा जेड लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अब आप दोबारा इसको चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन इस बार आप इसको लिखेंगे एल्स इफ, else if character 1 is greater than or equal to 0 or less than or equal to 9, तो फिर आप क्या करेंगे कि अब आप alpha के बजाय digit count में उसको count कर लेंगे। else में नहीं जाइएगा क्योंकि अल्फाबेट्स के अलावा सिर्फ डिजिट्स नहीं होते, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो इसलिए इसको अलग चेक करेंगे। एल्स इफ कर लें या इसका एंड इफ लगा के फिर आप दोबारा इफ लगा लें, आपकी मर्जी है। अब आउटपुट में हमें क्या करना है, आउटपुट में हमें करना है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के अंदर आपके पास आ गया पहले अल्फा काउंट, और फिर आपको यहां पे आउटपुट करनी है डिजिट्स, और डिजिट काउंट, ठीक है जी। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड क्रिएट हो गया। अच्छा जी, अब इसको जरा एग्जीक्यूट करना है तो विजुअल बेसिक में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दूसरे स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है और हमें दो काउंटर्स चाहिए, अल्फा काउंट और डिजिट काउंट, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इन दोनों की हमें जरूरत नहीं है। और हम अल्फा काउंट इज इक्वल टू जीरो और डिजिट काउंट इज इक्वल टू जीरो कर दिया हमने। अच्छा जी, अब हमें ये इनपुट भी हो गई हमारी, बस अब हमने यहां पर कैरेक्टर वन ले लिया। अब हम चेक करेंगे कि इफ कैरेक्टर वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड कैरेक्टर वन इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जी देन। अच्छा, इसको फिर हम अपर केस में भी कन्वर्ट कर लें, तो कैरेक्टर वन इज इक्वल टू यू केस कैरेक्टर वन।
यहाँ पे यू केस होता है और यहाँ पे क्या होता है अपर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अल्फा काउंट इज इक्वल टू अल्फा काउंट प्लस वन एल्स इफ कैरेक्टर वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड कैरेक्टर वन इज लेस देन और इक्वल टू नाइन, तो देन डिजिट काउंट इज इक्वल टू डिजिट काउंट प्लस वन, ठीक है जी। सही हो गया। अब इसके बाद आप आउटपुट क्या करेंगे, अल्फाबेट्स, और यहां पर आप लिखेंगे अल्फा काउंट और यहां पे आप लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, डिजिट काउंट, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अभी आपको बताएगा कि अल्फाबेट्स में 22 है और डिजिट्स जो है वो 12 है, स्पेसेस इसने काउंट नहीं करी। अब ये तो खैर मैंने ऐसे ही कर दिया। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स डाले और 4 5 6 7 डिजिट्स डाले। अब आप देखें 6 अल्फाबेट्स हो गए पी के वाई और टी एच एफ, और डिजिट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इट्स वर्किंग प्रॉपरली। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। इनिशियलाइज हो रहा है, इनिशियलाइज हुआ, आपसे इनपुट ली इसने, प्रॉम्प्ट दिया इनपुट ली, आपने इसको इनपुट दी, आपने इनपुट दी, इसके पास इनपुट आ गई। अब ये एक एक कैरेक्टर पिक करेगा, तो पहला कैरेक्टर इसके पास आया छोटा एच, इस छोटे एच को इसने कन्वर्ट कर दिया बड़े एच। अब इसको चेक कर रहा है कि ये ए और जी के बीच में, यस, तो इसने अल्फा में काउंट कर लिया, एल्स इफ नहीं चलेगा, एंड इफ चलेगा, नेक्स्ट अगला कैरेक्टर लेगा। अगला कैरेक्टर इसके पास आ गया जी, जी को इसने अपर में कन्वर्ट किया, फिर चेक किया अल्फा काउंट में, इसने बढ़ा दिया, अल्फा काउंट हो गया 2। अगला कैरेक्टर लिया, अगला कैरेक्टर आ गया 5, ये अपर केस से गुजर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 5 रह गया। अब ये ए और जी के बीच में नहीं है तो ये एल्स इफ में आएगा। अभी 0 9 के बीच में है, यस, डिजिट काउंट में बढ़ा दिया, तो ये अल्फा काउंट वही 2 रह गया, डिजिट काउंट 1 हो गया। फिर के आएगा, के फिर अल्फा काउंट में बढ़ जाएगा, 3 हो गया। फिर 6 आएगा, 6 डिजिट काउंट में बढ़ जाएगा, 2 हो गया। फिर 4 आएगा, इस तरीके से ये अल्फा काउंट 3 हो गया और डिजिट काउंट भी 3 हो गया। देखें 1 2 3 1 2 3 आउटपुट आ गई, दैट्स इट, इजी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है इसकी।
ठीक है जनाब, अब देखें अगला क्वेश्चन। इनवर्स स्ट्रिंग करेंगे और उससे पहले हम ये कर लेते हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। नंबर ऑफ वॉवल्स का क्या मतलब है? मतलब हमें चेक करना है कि ए ई आई ओ यू है या नहीं है, वही कैरेक्टर जो अभी हमने पिक करके हम उसको मैच कर रहे थे कि वो ए और जी के बीच में है, उसको हम देखेंगे कि वो ए ई आई ओ यू है या नहीं है। अब इसको हम दो तरीके से करेंगे, इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका, पहले तो इसको हम कॉपी मारें। अब देखें अब ये हमने ले लिया, हमें अब वॉवल्स बताने हैं, हमें सारी एबीसीडी नहीं बतानी, वॉवल्स बताने। अब हम यहां से चेक करेंगे कि कैरेक्टर, पहले तो हम कैरेक्टर को वही इनपुट करके अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें मसला ना बने। फिर हम एक एक कैरेक्टर को पिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो ए ई आई ओ या यू है, अगर है तो फिर हम काउंटर में काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आंसर हमें देगा 5। तो हमें स्ट्रिंग भी चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए, अब अल्फा काउंट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए वॉवल काउंट, वॉवल काउंट भी चाहिए। ये हमने ले लिया, अल्फा काउंट नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए वॉवल काउंट भी। ठीक है जी, इनपुट किया स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर लेके उसको अपर केस में कन्वर्ट किया। अब हम कहेंगे कि अगर कैरेक्टर वन ए है और कैरेक्टर वन ई है, I है, O है, U है, A E I O U, अगर वो A E I O U है तो फिर हम उसको वॉवल काउंट में काउंट कर लेंगे, अदरवाइज हम काउंट नहीं करेंगे। और फिर हम यहां पर वॉवल्स और यहां पर हम उसको वॉवल काउंट से रिप्लेस कर देंगे। ये आपका सीधा सीधा कोड बन गया। अच्छा, अब देखिए ये वाली लाइन ना स्क्रॉलिंग करवाई है आपको स्क्रीन पे, तो उसका एक आसान सा तरीका ये है कि हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के अगली लाइन में ले आए, तो कंप्यूटर अलाउज इट। मतलब ये लाइन एक ही है, हमने अंडरस्कोर लगा लगा के इसको तीन टुकड़ों में तोड़ दिया, कंप्यूटर की अभी एक ही स्टेटमेंट है, दिस इज अलाउड। इससे ये होता है कि आपका कोड जो है वो रीडेबल हो जाता है, ऐसे स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करेगी और आपको ऐसे ऐसे करके लिखने में मुश्किल नहीं होगी। आप अंडरस्कोर लगा लगा के उसको दो तीन लाइनों में ब्रेक कर लें, एक ही बात है, करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही कोड हम विजुअल बेसिक में चलाते हैं, कैरेक्टर वन हमें चाहिए और इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए वॉवल काउंट। ठीक है, तो अल्फा काउंट हमें नहीं चाहिए, हमें वॉवल काउंट चाहिए। इनपुट किया स्ट्रिंग, कैरेक्टर एक उठाया और अब हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं
ये इसलिए नहीं चला कि यहाँ पर सिंगल कोट लगे हुए हैं। अगर आपके पास डबल कोट हो जाएंगे तो मसला आपका हल हो जाएगा। तो सिंगल कोट को आप डबल कोट से रिप्लेस कर दें, 10 रिप्लेसमेंट हो गई, आपका कोट सेट हो गया ये, ठीक है जी। अब अगर आप इसको एक लाइन में रखते हैं तो रखें, कोई इश्यू नहीं है। Vowel count is equal to vowel count plus one. ठीक है, और अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आप इसको ब्रेक कर लें। ठीक हो गया। अब पहले हम इस प्रोसेस को चला के देख लें। बता रहे ना, 5 वॉवल्स, 1, 2, 3, 4, 5 सही चल रहा है। अच्छा आप देखिए, मसला ये है कि जब मैं कोड लिखता हूँ, जो मैं कंसीव करता हूँ, मैं तो क्योंकि पढ़ाता ही रहता हूँ ना, तो मुझे आदत है, मैं उसको आसानी से याद भी कर लेता हूँ, मुझे समझ भी आ जाता है। मैं जब कोड लिखता हूँ तो उसमें गलतियाँ भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास भी गलती नहीं होगी, आपके पास बेतहाशा गलती होगी। ये एक ड्यू कोर्स है, बहुत लंबा चौड़ा, जो आपको उससे गुजरना है, मीन्स हार्डशिप। आप देख देख के करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इन्हीं कोड्स को जो मैं आपको भेजता हूं ना, आप इनको बगैर देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इस सारी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये बहुत मुश्किल है। एक सेंस, एक रोड सेंस होता है ना, जैसे आदमी को ड्राइविंग आती हो, भले बहुत अच्छी आती हो, लेकिन जब तक वो रोड पे गाड़ी नहीं चलाता वो परफेक्ट नहीं हो पाता, रोड सेंस डेवलप। इसी तरीके से आपको मैं जो लिख रहा हूँ आपको बड़ा जबरदस्त समझ में आ रहा है। And unless you write it yourself, you won't be able to create logic and write programs. That is impossible. ठीक है, तो that is very simple. तो ये हो गया एक तरीका कि मैं इसको आपको भेज दूं। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। उसमें हम ये करेंगे कि एक कैरेक्टर हम लेते हैं, उस कैरेक्टर को हम सर्च करेंगे एक और स्ट्रिंग में। अब देखें, यहां पर हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग टू, और स्ट्रिंग टू को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। स्ट्रिंग टू को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं ए ई आई ओ यू से। अब जो हम कैरेक्टर उठाएंगे, कैरेक्टर वन को, हम अब उसको तलाश करेंगे स्ट्रिंग टू में। अगर वो स्ट्रिंग टू में मौजूद होगा, इसका मतलब है वो वॉवल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ लोकेट स्ट्रिंग वन में कैरेक्टर वन ग्रेटर देन जीरो है, देन। क्या मतलब हुआ? ये आपने कैरेक्टर उठाया, उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग वन में, सॉरी स्ट्रिंग टू में, स्ट्रिंग टू में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में उसको तलाश किया। अगर वो इसमें मौजूद है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आ गया, मौजूद है, तो इसका मतलब वो वॉवल है, तो उसको इसमें रख लें। अगर आप इसको भी हटा दें तो आप इसके अंदर छोटी एबीसीडी भी डाल दें तो उसमें भी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे अपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वेरी सिंपल चेंज।
बट दैट वुड वर्क. लंबे कोड से अब आप उसको लंबा कोड बोलेंगे, इसको बोलेंगे, डिफरेंट लॉजिक है. तो AEIOU ये हमने कर लिया. अब हमने कैरेक्टर वन लिया और अब हम यहाँ पर इस सारी लंबी चौड़ी कार्रवाई के बजाय हम लिख रहे हैं इन स्ट्रिंग. आपको पता है लोकेट को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वीबी में इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग टू में हमें अगर कैरेक्टर वन मिल गया यानी कि ग्रेटर देन जीरो हो गया तो फिर वो वॉवल काउंट में काउंट कर लेगा. ये सेकेंड मेथड है. अब देखें इफ इट वर्क्स, बिल्कुल काम कर रहा है. ठीक है, जफर अली खान ही हमेशा जरूरी नहीं है, तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं. आप यहां से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन प्रोग्राम्स ये जो है ये उठा के इसमें डाल दें. ये आपको बता देगा इसमें 9 वॉवल्स हैं. अब देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वॉवल्स हैं इसमें. So it is working properly. तो ये भी मैं आपके पास कॉपी कर लेता हूं. मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफी है. अब आप लोग जो है ना बजाय मेरी यहाँ पर बैठ के फिल्म देखने के, अब आप लोग ना जरा प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दें. मनाहिल आप चाह रही हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, बिल्कुल कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है. देखें इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने एक और स्ट्रिंग बनाया ए ई आई ओ यू उसके अंदर डाल दिया, या आपने इसको इनिशियलाइज ही ए ई आई ओ और यू पे किया. यह स्ट्रिंग टू, फिर आपने स्ट्रिंग वन जो इनपुट कराया उससे आपने कैरेक्टर पिक किया, उस कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग टू में सर्च करेंगे, लोकेट करेंगे या वीबी में इन स्ट्रिंग करेंगे. अगर ये जो कैरेक्टर आपने पिक किया है ये आपको स्ट्रिंग टू में मिल जाता है, सर्च करें ना वन बाय वन, अगर मिल जाता है तो उसका मतलब है कि वो कैरेक्टर, क्योंकि मिल गया तो वो वॉवल ही होगा ना, यानी कि उसकी स्पेस अगर मिल गई. अब देखें फर्स्ट करें ए था, ए मिल जाएगा वन पे, यू था, यू मिल जाएगा फाइव पे, यानी ग्रेटर देन जीरो होगी. तो अगर वो स्ट्रिंग टू में मिल जाता है, स्ट्रिंग टू में कैरेक्टर वन मिल जाता है तो फिर वॉवल काउंट में उसको काउंट कर लें. दिस इज व्हाट आई मेंट. सो एनीवेज, सो दिस इज इट फॉर द लेक्चर टुडे.